हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और उसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या है वो सवाल, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिखता है, इट इज 7 × 11 प्लस 11 × 15 एंड अप टू 95 × 99, ठीक है। 95 × 99 इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते रहिए, आई डोंट माइंड इन दैट, बट आपको करना क्या चाहिए यदि आपको एग्जाम में करना है, और खासकर उस एग्जाम में करना है जहां पर टाइम स्टिपुलेटेड है। स्टिपुलेटेड बोले तो जहां पर आपके पास निर्धारित समय है, ठीक है। आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर। आई एम नॉट सेइंग कि आपका आंसर नहीं आएगा, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि यदि एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है और खासकर उस एग्जाम में दिया है जहां पर स्टिपुलेटेड टाइम है, तो आपको क्या सोचना है, ठीक है। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, यदि हमें सम निकालना है, ठीक है, इसी तरह की सीरीज का है जहां पर ये न्यूमरेटर में सारे नंबर होने चाहिए और एपी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है लास्ट टर्म इनटू फॉरवर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इनटू रिवर्स टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये चार बातें आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले लास्ट टर्म, फिर फॉरवर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू रिवर्स टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डी। इसका मतलब फिजिकल मतलब क्या है, मैं आपको इसको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म की बात करेंगे, सो आई हैव 95 × 99, और अगर मैं इसी सीरीज को और आगे बढ़ा दूँ एक टर्म, तो यहाँ पर 103 आना चाहिए था माइनस। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 11 × 7, और एक टर्म पीछे जाएंगे तो 3। आरटी मतलब रिवर्स टर्म और एफटी मतलब फॉरवर्ड टर्म, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1, 2, 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब यहाँ से कॉमन लेना है तो 11, 3 यहाँ पर भाई, ठीक है, 33 कॉमन आता है तो क्या बचेगा, 95 × 3 = 33 माइनस 7 अपॉन 3 × 4, तो 3 से ये 11 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ जो भी बचेगा तो क्या, यहाँ पे 7 कॉमन आता है, ठीक है, 7 तो नहीं आता। तो अगर मैं इसकी सॉल्यूशन करता हूँ तो 95 × 2 ये कितना हो जाएगा, 309, ठीक है, माइनस 7 अपॉन 4। अगर मैं 95 × 309 करता हूँ, 309 × 95, तो 100 माइनस 5 कर सकते हैं, 309 00, और 9 × 45 5 × 15 तो 55 बचेगा, और यहाँ पर 308 बचेगा, ठीक है, 8 + 5 = 3, और यहाँ पर कितना बचेगा, 29, ठीक है, 29,355। और इसमें से भी आपको 7 माइनस करना है, तो अभी कर देता हूँ, 29,348, तो यहाँ पे बचेगा 11 × 29,348 डिवाइड बाय 4 से करेंगे इसको, सो 11 × 4 = 7, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 × 3 = 12, 1 बचेगा, 4 × 3 = 12 and 4 = 7, ठीक है। तो जो भी कोई फाइनल आंसर आएगा वो 11 × 7337 होगा, ठीक है। तो 11 × 377 कर लेते हैं, 7 × 3 = 11, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल आप सबको आना भी चाहिए वैसे भी, तो 11 × 77 = 11 × 80 = 41 और 81, ठीक है। 11 × 77 7 बचेंगे, 11 × 33 = 40, 11 × 33 = 37, 37 बचेगा और 11 × 77, ठीक है। तो 8 0 7 0 7 8 0 7 0 7, तो ये सवाल का फाइनल सॉल्यूशन है। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली यदि आप इस सवाल का सॉल्यूशन इजीली करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए फॉर मोर फ्रूटफुल कंटेंट एंड मोर कंसेप्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।